आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी नारद मीडिया। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पर्यावरण विद जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने सिवान जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जल संरक्षण का पाठ पढ़ाया। जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह भारत पुनर्निर्माण अभियान के तहत बिहार संवाद यात्रा में सिवान आए थे। जिला परिषद के सभागार में उप विकास आयुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में जिले के सभी वीडियो को जलवायु परिवर्तन, जल जीवन हरियाली को कैसे धरातल पर उतारे, इसके विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जानकारी दी। इस मौके पर कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, DRDA डायरेक्टर सहित जिले के वीडियो सामाजिक कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। सारण आए तो वहां के कलेक्टर के साथ बातचीत करके हमने थोड़े मेकिंग ब्रिज, बिल्डिंग द ब्रिजेस, राज और समाज के बीच में कैसे पुल बन सकता है पर्यावरण के सवालों पर, पानी के सवालों पर, क्योंकि बिहार में, बिहार ना भगवान का लाडला बेटा है और लाडले लोग जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं जल्दी से। तो बिहार भगवान का लाडला बेटा इस मायने में है कि भगवान ने आपको बहुत हरियाली दी है, बहुत पानी दिया है। तुम्हारे यहाँ जो बादल आते हैं ना वो बरसते हैं, हमारे राजस्थान में बादल आते हैं और बिना बरसे रूट कर चले जाते थे। हमने पिछले 38 सालों में बादल रूट ना सके, वो अब हमसे रूट कर ना चले जाए, ये काम हमने किया है। तो मैं आज जल जीवन हरियाली और एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पत्रकार, एक अधिकारी कैसे काम कर सकता है मिलकर, उसकी भूमिका क्या बनती है, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक एक काम, आप जिसको अपनी आंखों से देखकर रियलाइज कर सकते हैं कि हम, हमारी जो जल जीवन हरियाली है वो भी इसी तरह है जिस तरह पर ये है। तो क्या हमारी जल जीवन हरियाली इस तर्ज पर उतने आगे तक जा सकती है क्या? तो जो आज का, जो खासकर मैं सिंह साहब को वाकई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में उन्होंने आप सबको बुलाया, समय नहीं था इतना, इतनी जल्दी से मीटिंग बुलाई। लेकिन आज की बैठक को एक तरह से जरा ये देखिए, और आप अधिकारी हैं ये काम कर रहे हैं तो जरा निसंकोच मुझे अपने सुझाव भी दीजिए बातचीत के बाद में, और सवाल भी पूछिए मुझसे। ये केवल मैं भाषण दे रहा हूँ, प्रवचन नहीं है, ये एक अच्छा संवाद है जिसमें राज और समाज दोनों मिलकर कैसे साझे काम कर सकते हैं उसकी संभावनाएं तलाशने की बैठक है। और ये संभावना तलाशने के लिए सिंह साहब ने आपको बुलाया है। तो मित्रों, मैं शुरू करता हूं। आज पूरी दुनिया वो जलवायु परिवर्तन का संकट है जिसके कारण तीसरा वर्ल्ड वाटर वॉर होगा। अभी कैसे होगा उस पर मैं समय नहीं लगाना चाहता, वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में बिहार जैसा समृद्ध राज जिसके पास अच्छी बारिश है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी महाराष्ट्र से 3 गुनी, राजस्थान से 10 गुनी ज्यादा है, तो यदि हम पॉपुलेशन डेंसिटी को सामने रख के बात करते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि फिर भी इस कोरोना में बिहार में इतनी मार कोरोना की क्यों नहीं हुई, जबकि पूरा देश त्रस्त था तब भी बिहार में कोरोना की मार दूसरे राज्यों के शहरों के मुकाबले नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बताएगा? बिहार में कोरोना की मार इतने ज्यादा क्यों नहीं हुई कि जो जैसी दूसरे राज्यों के शहरों में हुई? उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपके राज्य का जो विकास का रास्ता हुआ
उस विकास के रास्ते में उतना लालच नहीं था जिससे वहां की सारी नदियां पोल्यूट हो जाए और अंडरग्राउंड एक्वीफर ओवरड्राफ्ट हो जाए। आज भी आपके यहाँ के अंडरग्राउंड एक्वीफर कुछ ओवरड्राफ्ट है, लेकिन आपकी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी पूरे भारत की सिचुएशन खराब है। गृहिणी जो घर में काम करती है, माता बहने, वो पानी को बचाने के लिए, पानी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? हमारी माता और बहनों को पानी को बचाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग हमारे घरों में हमारी माँ बहन को ही करना पड़ता है, तो उनको सुबह उठने से लेकर जब वो दांत धोना का काम शुरू करती हैं और स्नान सोच कपड़े धोने में यदि वो पानी बचाना शुरू करेंगी तो समझो कि वो अगली पीढ़ी को तैयार कर रही हैं, संस्कारित कर रही हैं, वो भी पानी को बचाने का काम करेंगे। इसलिए हमारी माँ बहनों को ये जो अभी आजकल के पाउडर के पानी आए हैं, इसके कारण जो पानी पॉल्यूट होता है उसको फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम कोशिश करें कि ये जो पॉल्यूटेड वाटर है इसको हम अपने अच्छे पानी से अलग रखें। यदि मेरी माँ बहन केवल ये समझ जाएं कि पॉल्यूटेड वाटर और क्लीन वाटर को दोनों को अलग अलग रखने से वो बहुत देश की बचत करती हैं। क्या बचत करती हैं कि हमारे जो ATP लगाने पड़ते हैं, STP लगाने पड़ते हैं, जब अच्छे पानी में गंदा पानी मिल जाता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और भारत सरकार के, बिहार सरकार के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नदियों के किनारे शहर बसते हैं और शहर नदियों को किनारे कर देते हैं। ये बहुत बड़ी भारत जैसे देश जहाँ नदी माता के रूप में है, हमारी पांचवी माता मानी जाती है, भाषा माता है, धरती माता है और नदी माता है, तो हम कब अब चेतेंगे कि या क्या इसका ऐसा समय आएगा कि जब नदी इतनी जीवनदायिनी बन के हमारे घरों में हम तक आएगी? देखिए, आज हम 21वीं शताब्दी के 21वें वर्ष में हैं। ये जो कालचक्र है, इस कालचक्र में यदि हम अभी नहीं समझे और हमने अपनी नदियों को ठीक नहीं किया और हमने यदि नीर नारी नदी का सम्मान दोबारा शुरू नहीं किया तो हम बेपानी हो जाएंगे। और ये जो बेपानी होना है ये हमारे जीवन के सारे संकटों को बढ़ा देगा। इसलिए मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिहार को भी, जिसके पास भगवान ने खूब पानी दिया है, और मेरे राजस्थान को, अपने जीवन को जल से ही मानकर उसको सम्मान के साथ बचाना चाहिए और सम्मान के साथ अनुशासित होकर उपयोग करना चाहिए।